दोस्तों भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए बीते 19 दिसंबर को एक नई अहम सुविधा हासिल हुई है। हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला में एक नए हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, जहां आवाज से 5 से 12 गुना अधिक गति वाली रॉकेट प्रणालियों का परीक्षण किया जा सकता है। ऐसी सुविधा अब तक केवल रूस और अमेरिका ने ही विकसित की है और भारत में भी इसका विकास पूरी तरीके से भारतीय औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमता के आधार पर किया गया है। इस सुविधा का इस्तेमाल हाइपर प्लेन जैसी अत्यधिक जटिल अंतरिक्ष व हमलावर मिसाइल प्रणालियों के विकास में किया जा सकता है। दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलों से अचूक हमला करने की भारत की क्षमता इस सुविधा की वजह से बेमिसाल होगी। हाइपरसोनिक मिसाइलें जब दुश्मन की धरती पर गिरेगी तो उसे अपने बचाव के लिए क्षण भर का भी वक्त नहीं मिलेगा। इस खास क्षमता के बारे में वरिष्ठ डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि हमलावर बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के दौर में भारत पीछे रहा, लेकिन देर से ही सही मंजिल तक पहुंच चुका है। भारत ने अब तक 350 किलोमीटर मारक दूरी वाली पृथ्वी और 700 से 5000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अग्नि के अलावा कई पनडुब्बियों को बना लिया है। अब भविष्य हाइपरसोनिक मिसाइलों का है, जिसके विकास के दौर में भारत अमेरिका और रूस के बाद तीसरे स्थान पर चल रहा है। हालांकि चीन ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, लेकिन वह स्क्रैमजेट तकनीक वाली नहीं है। पारंपरिक मिसाइलों के विकास में विकसित देशों ने कई तरह के रोड़े अटकाए, लेकिन इन बाधाओं को पार करते हुए भारतीय मिसाइल वैज्ञानिकों ने इतनी क्षमता तो हासिल कर ली है कि भारत से कई गुना अधिक मिसाइल भंडार रखने वाला चीन उससे खौफ खा रहा है। लेकिन अब जो मिसाइल क्षमता भारत अगले कुछ सालों के भीतर हासिल करने जा रहा है, वह चीन के लिए भारी चिंता का विषय होगा। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से 5 से 8 गुना अधिक गति से जाने की क्षमता वाली कही जा सकती है। इससे कम गति से जाने वाली सुपरसोनिक मिसाइलें आवाज से 2 से 4 गुना अधिक मारक गति वाली होती है। आवाज से कम गति से मार करने वाली मिसाइलें सबसोनिक मिसाइल कही जाती है। भारत में पहले ही रूस के सहयोग से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का न केवल विकास हो चुका है, बल्कि वह तीनों सेनाओं को सौंपी भी जा चुकी है। ब्रह्मोस की मारक गति आवाज से 2.8 गुना अधिक है और फिलहाल यह दुनिया की सबसे तेज गति से जाने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारतीय मिसाइल वैज्ञानिकों की कोशिश है कि ब्रह्मोस की कम से कम दोगुनी गति से अधिक मारक गति वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के मिसाइल भंडार में शामिल हो। दुश्मन की हमलावर बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराने वाली एंटी मिसाइल प्रणालियां अमेरिकी थार्ड और पेट्रियट या रूसी S-400 का विकास हो चुका है। इसलिए विकसित देशों की सेनाएं ऐसे हमलावर मिसाइलों की तलाश में है जिन्हें कोई एंटी मिसाइल बीच आसमान में ही ध्वस्त न कर सके। DRDO को अब तक इसलिए कोसा जाता रहा है कि भारत की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनने में वह खास योगदान नहीं कर सका है। वहीं DRDO अब दुनिया की सबसे एडवांस शस्त्र प्रणाली से भारत को लैस करने का भरोसा दिला रहा है। इस हाइपरसोनिक कार्यक्रम में भारत को अंतरिक्ष और मिसाइल का ताकत बनाने की दिशा में उसने अहम कदम उठाए हैं।